केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी एक दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंची थी, जहां मेनका गांधी के काफिले में चल रही गाड़ियों में से एक गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनन फानन में मेनका गांधी के कहने पर पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी आज जिला पंचायत में शिलान्यास कर अपने काफिले से बरखेड़ा क्षेत्र में होने वाली सभाओं में शामिल होने जा रही थी। जैसे ही मेनका गांधी का काफिला थाना क्षेत्र बरखेड़ी क्षेत्र के गाँव जयोरा कल्याण पुलिस पहुँचा तो वैसे उनके काफिले में चल रही एक गाड़ी से गाँव जयोगरा कल्याणपुर निवासी देवदत्त का 13 वर्षीय पुत्र आनंद प्रकाश घायल हो गया। फिलहाल मेनका गांधी के कहने पर पुलिस ने आनन फानन में घायल बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के उपचार के बाद घायल बच्चे की हालत में सुधार है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से संवाददाता सदर सैफी की रिपोर्ट। किसकी? और कौन था? किससे काफिला जा रहा था? वो गाड़ियों का किसका किसकी गाड़ियाँ जा रही थी साथ में, कौन था? पुलिस वाली गाड़ी थी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे बच्चा आपका? जा रहा था मछुआ खरीद लिया। अच्छा, फिर? फिर देर और मेटका गांधी संग जा रही थी। अच्छा, उनके अकेला वाली गाड़ी हुआ, इन्हीं गाड़ी अकेला जा रही थी। फिर कहाँ चोट लगी बच्चे के? जो सर में है, पैरों में है, बाहों में है। किसके साथ गाड़ी थी ये वाली जी? ये किसके साथ गाड़ी थी ये वाली? ये गाड़ी मेटका गांधी के साथ थी, मेनका गांधी पीछू थी। अच्छा, रुकी मेनका गांधी देखने के लिए? हाँ, उन्हें उठाए गए और सरकारी अस्पताल ले गए थे, वहाँ से उसको डॉक्टर साहब ने कभी नहीं लिया।